दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप बीएड कोर्स 2024 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं बीएड कोर्स में, तो ऐसे में उसका ड्यूरेशन क्या कुछ होगा, 4 साल का कोर्स कौन सा है, साथ में 1 साल वाला कोर्स कौन सा है, उन सभी के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या 2 साल का बीएड आपका 4 साल का हो गया है, और ये जो 1 साल के बीएड की बात की जा रही है वो आखिर किस प्रकार का बीएड कोर्स है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम बात करते हैं जब एक नोटिस को लेकर के, तो नोटिस के बारे में भी बात करेंगे, साथ में आपका जो इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि आपके NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जिसके बारे में चर्चा की गई है, और कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा कि जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो पूरी तरीके से लागू हो रही है, लागू की जा रही है। यहाँ पर सबसे पहले उस नोटिस की तरफ चलते हैं, और आप नोटिस में यहाँ पर देखेंगे यह है आपका भारतीय पुनर्वास परिषद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं ये आपका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि पुनर्वास परिषद का आपका ये लेटर है 4 जनवरी 2024 का, इसमें लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू अपग्रेड द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स दिस नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी NCTE ने अब इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी ITEP जो आपका NEP 2020 का ही एक हिस्सा है उसके तहत बीएड प्रोग्राम को हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 ईयर्स टू 4 ईयर्स एंड डिसकॉन्टिन्यूड गिविंग अप्रूवल ऑफ 2 ईयर्स बीएड प्रोग्राम फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023-2024। यहाँ पर उसके तहत बीएड कोर्स 2 साल का जो था वो बंद करते हुए 4 साल इसे कर दिया है, कोई भी अब ऐसे में इंस्टीट्यूशन 2 साल का बीएड कोर्स नहीं करवा सकेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक चीज़ और मेंशन की हुई है जो आपने शायद ध्यान दिया हो, इसमें लिखा हुआ है कि जब हम बात करते हैं दिस काउंसिल हैज़ डिसाइडेड नॉट टू ग्रांट एनी अप्रूवल टू एनी इंस्टीट्यूशन फॉर रनिंग 2 ईयर्स बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। यहाँ से कोई भी जो भी है स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम का है आपका बीएड 2 साल का, तो ऐसे में उन्हें अप्रूवल नहीं दिया जाएगा, और 4 साल के कोर्स की जो है वो यहाँ पर बात की गई है। आगे अगर हम यहाँ पर चलें तो इसमें लिखा है ऑल द इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हु डिज़ायर टू रन द इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन। अब ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपका बीएड का स्पेशल एजुकेशन वाला कोर्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा किसका है, आपका स्पेशल एजुकेशन का है, वो भी इंटीग्रेटेड बीएड करके इसे नाम जो है वो दिया गया है। तो ये अब आपका जो है वो 4 साल का होगा। धीरे धीरे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे आप यहाँ पर एक विस्तृत जानकारी नोटिफिकेशन, एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, देखने को मिलेगा। एक वाले जब हम बात करते हैं 1 वर्षीय पाठ्यक्रम को लेकर के, तो आखिर वो क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम जल्द शुरू होने की उम्मीद, और यहाँ पर लखनऊ से प्रकाशित यह खबर, LU समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों में सत्र 24-25 में एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम शुरू होने की उम्मीद है। ये किसके लिए है, इस पाठ्यक्रम में 4 वर्षीय स्नातक और परास्नातक की डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे। ये वो बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें वो भी आपका 4 वर्षीय स्नातक और परास्नातक जो भी होंगे, क्योंकि उसी में आपका 1 साल का, 3 साल पहले आपका ग्रेजुएशन था, 1 साल का उसी में बीएड जोड़ दिया है, तो कुल मिलाकर के स्नातक से लेकर के इंटर के बाद वालों के लिए कहीं ना कहीं ये आपका है जो हम 1 साल की बात करते हैं। बाकी आप यहां पर टोटल देख पा रहे होंगे निगरानी में कोर्स के बीएड पाठ्यक्रम को तैयार कराया जा रहा है। पाठ्यक्रम बनाने के लिए जो समिति गठित की है, चलिए उसका अध्यक्ष वगैरह दिया हुआ है, इसके बारे में भी जैसे ही जानकारी मिलती है हम आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। बाकी डिस्टेंस एजुकेशन में क्या कुछ होगा, ऐसे में जब हम बात करते हैं आपके इग्नू वगैरह को लेकर के, तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो आएगा। कोई और सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में।